क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था, राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि सभी लोगों को नमस्कार। भाई आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि जो मेरे सामने किताब रखा हुआ है, ये गीता का किताब, श्रीमद् भागवत गीता का किताब है। तो बेसिकली हालांकि फर्स्ट टाइम ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरे सामने मैं किताब खोले हुए आप लोग के वीडियो में फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ मैं। तो वैसे तो मैं टू ट्रेवल्स, हंसी मजाक और थोड़ा एक्ट कर लेता हूँ अपने ब्लॉग चैनल पर। तो मेरा कहना यह है कि जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, छोटा बड़ा कोई भी काम कर रहे हो, याद रखिएगा अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो गीता को पढ़ना शुरू कर दें। ये जो किताब है श्रीमद् भागवत गीता का किताब है, इसको पढ़ना शुरू कर दें। भले आप पूरा किताब पढ़ दें या फिर एक दिन में एक ही पेज पढ़ रहे हो, इसमें से कुछ भी नहीं, तो अगर 100 शब्द, 200 शब्द भी हैं तो 10 शब्द ऐसे समझ में आ जाएंगे कि कहते हैं ना, दवाई की तरह काम करेगा। जिंदगी में दूसरों से लड़ाई, मुंह से गलत शब्द निकलना, ये सब कुछ भी नहीं होगा। अब मैं दिन भर नहीं पढ़ता हूं। अब आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग वाले चैनल में, यार मैं कभी इधर उधर टूर पे रहता हूँ अस्पताल के काम से, और कभी कभार शॉर्ट वीडियो में एक्ट कर लिया, ये सब कुछ करता हूँ। तो शाम शाम को कभी कई बार भूल जाता हूं, तो कुछ भी नहीं, तो एक पेज मैं रोज पढ़ता हूं। रियली पहली बात, मांस खाना छोड़ दें, और दूसरा, जिंदगी को बेहतर बनाना है आपको तो गीता का किताब पढ़ना शुरू कर दें। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, जस्ट एक मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो सोच रहा था शेयर करूं। तो आज के ब्लॉग में मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मांस खाना छोड़ दें पहला, दूसरा गीता का किताब पढ़ना शुरू कर दें, जिंदगी में कभी गलत रास्ते में नहीं चलेंगे, सही मार्ग मिलेगा आप लोगों को। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट योर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।